Hey guys, welcome back to my channel. This is Priyanka. Friends, title देख के आपको पता लग गया होगा कि आज की वीडियो किस बारे में है. Friends, आज की वीडियो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आई नो कि बींग मदर हम लोगों के ऊपर कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह होने की वजह से और इवन के हमारे पास कैपेबिलिटीज होने की वजह से हम कुछ नहीं कर पाते हैं. एट द सेम टाइम हम सब लोग चाहते हैं कि घर बैठकर हम लोग भी अपने हस्बैंड की कुछ फाइनेंशियल हेल्प कर सकें, अपने घर में कुछ हाथ बटा सकें. तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपसे इसी बारे में बात करने वाली हूँ कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिनको हम अपना करके घर बैठकर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं और साथ ही साथ अपने घर की हेल्प भी कर सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. तो फ्रेंड्स, सबसे पहला है मेरे पास YouTube को मैंने शुरू किए हुए मुझे एक साल हो गया है. डेफिनेटली आज के टाइम में YouTube में बहुत कंपटीशन है, पर बिलीव मी गाइस, YouTube से अच्छा प्लेटफॉर्म मदर्स के लिए कुछ भी नहीं है. बहुत सारी मदर जो है, एस्पायरिंग मदर जो है, YouTube को एज अ करियर देखती हैं. डेफिनेटली ये प्लेटफॉर्म है ही इतना अच्छा कि यहाँ पे आप कोई भी अपनी एक्टिविटी, इंटरेस्ट, स्किल्स यहाँ पे आके शेयर कर सकते हैं और धीरे धीरे अपने व्यूज बढ़ा सकते हैं और धीरे धीरे बहुत अच्छा पैसा यहाँ से कमा सकते हैं. फ्रेंड्स, आज के टाइम में YouTube की कुछ लिमिटेशंस हैं, YouTube की कुछ शर्तें हैं जिनको पूरा करने के बाद हमारी मोनेटाइजेशन या हमको अर्निंग सोर्स जो है शुरू होता है. जैसे कि स्टार्टिंग में YouTube के ऊपर अर्निंग शुरू करने के लिए हमें 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम जो है चाहिए होता है. एक बार वो कंप्लीट हो जाए तो फिर उसके बाद हमारी अर्निंग भी आने शुरू हो जाती है और धीरे धीरे ये अर्निंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. YouTube की अर्निंग की कोई लिमिट नहीं है. जितना आप काम करते हैं उतना ही आपको अर्निंग होती है. आप दिन में हर रोज वीडियो अपलोड कर सकते हैं, दिन में 2-3 बार भी वीडियो अपलोड कर सकते हैं. इट डिपेंड अपॉन योर कैपेबिलिटीज एंड योर एफिशिएंसी. जैसा कि आप काम करते हैं आपको वैसी ही अर्निंग होती है. लेकिन जो भी YouTube के वॉच टाइम होते हैं, व्यूज होते हैं, अर्निंग होती है, ये सिर्फ डिपेंड करती है YouTube वीडियो की क्वालिटी के ऊपर. आप जिस क्वालिटी का कंटेंट देंगे वैसा ही आपको अर्निंग होगी. इसीलिए जब भी आप YouTube के बारे में, अपना चैनल बनाने के बारे में सोचें तो ये जरूर ध्यान रखें कि आपको उस टॉपिक की नॉलेज हो और आप एक अच्छा कंटेंट अपने सब्सक्राइबर को दे सके. राइट, तो फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे YouTube के बारे में जानकारी चाहते हो तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना. मैं सारी वीडियोज में आपके लिए YouTube की पूरी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करूंगी. सेकेंड है होम ट्यूशंस. फ्रेंड्स, मैं आपको इसमें घर पे आने वाले बच्चों के बारे में नहीं बताने वाली हूँ बिकॉज आई नो कि कितना कंपटीशन है एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेन ट्यूशंस नाउअडेज. इसीलिए अब आपको करना क्या है कि आप होम ट्यूशन घर पे जाकर दे सकते हैं. देखिए, अगर आपने साइंस किया है, मैथ्स किया है, इकोनॉमिक्स किया है, फाइनेंस किया है, कुछ भी किया है, तो आप पर्टिकुलरली बच्चों को फाइनेंस की जाके या अपने सब्जेक्ट की जाके पर्सनली ट्यूशन दे सकते हैं. 1 घंटे की ट्यूशन, 2 घंटे की ट्यूशन आप आराम से एक बच्चे को दे सकते हैं. आपको करना क्या है कि अगर आप गूगल पे जाकर के अपने लोकेलिटी की, अपने एरिया की होम ट्यूशन सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे सेंटर्स मिल जाएंगे. उन सेंटर्स के ऊपर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, फोन करके उनसे पता कर सकते हैं, जिनको फोन करके आप ये पता कर सकते हैं अपने टाइम के बारे में, अपने टाइम अवेलेबिलिटी के बारे में, अपने सब्जेक्ट के बारे में. तो जैसे ही किसी स्टूडेंट को रिक्वायरमेंट होती है वो आपको कॉन्टेक्ट करते हैं तो उसमें से कुछ शेयर जो है इंस्टीट्यूट को देकर के आप अपने ट्यूशन कंटिन्यू कर सकते हैं. ये इतना अच्छा तरीका है फ्रेंड्स कि आप सिर्फ 1 या 2 ट्यूशन से 4000-5000 आराम से कमा सकते हैं. आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज सिंगल बिफोर मैरिज आई यूज्ड टू गिव द होम ट्यूशंस एंड आई यूज्ड टू अर्न 3000 रुपीज फ्रॉम पर स्टूडेंट. इट वाज अराउंड 8 इयर्स बैक. 8 साल पहले जो है मैंने ट्यूशंस दी और मुझे उस टाइम पे एक स्टूडेंट के 3000 रुपीज मिलते थे, वो भी केजी के स्टूडेंट के. तो आप ये सोच सकते हैं कि अगर आप एक बड़ी ट्यूशंस को, आप एक बड़ी क्लासेस को ट्यूशन देते हैं तो 4-5000 इज नथिंग फॉर देम. राइट, आजकल के टाइम में जब पेरेंट्स बहुत ही बिजी हो गए हैं, वो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं, पेरेंट्स जो हैं ट्यूटर्स ढूंढते हैं जो उनके बच्चों को कंफर्टेबल लेवल पे आकर के घर आके ट्यूशन दे सकते हैं, तो आप इस तरीके से होम ट्यूशन ढूंढ सकते हैं. नंबर 3 इज क्रेच. देखिए, प्ले स्कूल खोल सकते हैं. अगर आपके पास और कुछ भी सिस्टम नहीं बनता है, आप अपने एक रूम को यूटिलाइज कीजिएगा, उसके अंदर थोड़े से टॉयज वगैरह अरेंज कीजिएगा, अपने टीवी को सेट कीजिएगा,
पोएम्स वगैरह अरेंज करिएगा, एक छोटा सा प्ले स्कूल स्टार्ट कर दीजिए। एक बच्चे के आपको आराम से 2,500-3,000 रुपए मिलते हैं, और जितना आप एक्टिविटी करते हैं, जितना आप बच्चों को एंगेज रखते हैं, हैप्पी रखते हैं, उतना ही ज्यादा आपके पास स्टूडेंट्स आते हैं, क्योंकि ये जो है आपकी प्रेज जो है माउथ टू माउथ फैलती है। आप जितनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेंगे, उतने ज्यादा स्टूडेंट आपके पास, उतने ज्यादा बच्चे आपके पास आएंगे। आप अपने क्रेच के अंदर फूड भी अवेलेबल करवा सकते हैं या ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अवेलेबल करवा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्राइस इंक्रीज कर सकते हैं। एक बेसिक लेवल पे शुरू करेंगे, एक बच्चे से, दो बच्चे से, इवन के 10 बच्चों से अगर आपका स्टार्ट होता है, तो आप ये सोचिए फ्यूचर में आप उसको एज अ करियर बहुत अच्छा कैरी कर सकते। नंबर 4 इज शेयर योर स्किल्स। देखिए, आपको कोई भी स्किल्स आते हो, पार्लर, बुटीक, टेलरिंग, क्राफ्ट, कुछ भी आता हो, आप अपनी क्लासेस शुरू कीजिए, अपनी सर्विस देना शुरू कीजिए। अगर आपको बुटीक का काम आता है तो आप अपने घर पे शुरू कर सकते हैं, टेलरिंग आती है, बुटीक का काम आता है, कुछ भी आता है, आप शुरू कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरी लोकेलिटी में कितने सारे लोग ऐसे हैं जो कि मुझे खुद आकर बोलते हैं कि हम ये सर्विस देते हैं, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, बिलीव मी, मैं खुद जा करके उनसे ऐसी सर्विसेज लेती हूँ। तो आप भी अपना वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड कर सकते हैं। अगर कोई सर्विस देते हैं तो आप जा करके लोगों को बता सकते हैं, एक बोर्ड टांग करके आप लोगों को बता सकते हैं। अगर आप एक रीजनेबल प्राइस पे सर्विस शुरू करते हैं तो आपको बहुत अच्छी इनकम हो सकती है। बुटीक में अगर आप सूट स्टिचिंग 250-300 से शुरू करते हैं तो आपके पास बहुत अच्छे कस्टमर स्टार्टिंग से ही आ सकते हैं स्टिचिंग का, या छोटे मोटे जो हैं आप सिलाई कढ़ाई के भी बहुत अच्छा चार्ज कर सकते हैं। सिमिलरली बुटीक वगैरह अगर शुरू करते हैं तो आप 300-500 से अपने फेशियल स्टार्ट कर सकते हैं, और इवन कि आप लोगों के घर जाकर भी उनको अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से अपनी सर्विस स्टार्ट कीजिएगा और आप अपने काम को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। नंबर 5 इज स्टार्ट इंग्लिश क्लासेस। अगर आपका बैकग्राउंड, एजुकेशन बैकग्राउंड अच्छा है और अगर आपको इंग्लिश की अच्छी नॉलेज है, तो आप बच्चों को घर जा करके इंग्लिश की क्लासेस दे सकते हैं, क्योंकि आजकल हर पेरेंट चाहते हैं कि उनके बच्चों को छोटे से ही जो है अच्छी इंग्लिश बोलनी आती हो, और बच्चों को जो है किसी भी चीज में वो पीछे नहीं रह जाए, उनकी ग्रामर अच्छी हो। इसीलिए आप बच्चों को घर जाकर इंग्लिश की क्लासेस दे सकते हैं। पेरेंट्स इस चीज के लिए आज के टाइम में कुछ भी पे करने के लिए तैयार रहते हैं। 2,500-3,000 बहुत ही मिनिमल अमाउंट है अगर आप उनके बच्चों को अच्छी इंग्लिश बोलना सिखाते हैं, इंग्लिश फ्लुएंसी सिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है अर्निंग करने का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे जरूर बताना। अगर इनमें से कोई भी वीडियो के ऊपर, कोई भी टॉपिक के ऊपर आपको डिटेल चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आती रहूंगी। टिल देन, दिस इज प्रियंका साइनिंग ऑफ। यू डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस। आई वुड लाइक टू सी यू बैक इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।